नमस्कार, आप देख रहे हैं राइव न्यूज चैनल और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज हम लेकर आए हैं हमारा खास और आपका पसंदीदा शो खास मुलाकात। और आज के कार्यक्रम के खास मेहमान हैं मैहर घराने से ताल्लुक रखने वाले सिद्ध वीणा वादक पंडित सिद्धार्थ बैनर्जी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको धन्यवाद। मैं आपको आपकी पूरी टीम को चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने मुझे आज आमंत्रित किया और मुझे ये अवसर दिया कि आप सभी श्रोताओं के सामने मैं आ सकूं। सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। हाल में ही पुलवामा में हमारे जो सैनिक गुजर गए और बहुत लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, तो हमारी श्रद्धांजलि और हमारी प्रार्थनाएँ उन सभी सैनिकों को, हमारे भाइयों को और उनके परिवार को, क्योंकि बहुतों ने अपने बेटे को खोया, बहुतों ने अपने पति को खोया और बहुत बच्चों ने अपने पिता को खोया। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत दुखद घटना है जिसके लिए हमारी पूरी प्रार्थना और श्रद्धांजलि आप सबके साथ हमेशा है। सिद्धार्थ जी और राइट न्यूज चैनल की टीम की तरफ से पुलवामा में शहीद हुए सभी सीआरपीएफ जवानों को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सिद्धार्थ जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने संगीत का सफर कैसे शुरू किया। मेरे संगीत का सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि मेरे घर में, हमारे घराने में संगीत पहले से ही था और शायद मेरे माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद है कि शायद मेरे खून में ही कुछ उसका असर था, क्योंकि मैंने जो बचपन में जो मैंने खिलौने से भी खेला वो भी साज थे जी। और मेरी पहली गुरु मेरी माँ विदुषी जया बैनर्जी, उनसे मेरी तालीम की भी शुरुआत हुई। तो ऐसा मुझे बताया गया, मैंने कहानियों में सुना अपने बारे में, मेरे परिवार ने सभी ने मुझसे कहा कि जब मैं 3-4 साल का था तभी से खेल खेल में ये संगीत मेरे जीवन में कब आया, कब शुरुआत हुई, मतलब शायद वो उम्र बताना मुश्किल हो, लेकिन 3-4 साल की उम्र में से ही मैंने संगीत के साथ अपने सफ़र की शुरुआत मैंने कर दी। फिर मैं जब 10 या 11 साल का था तो मैंने अपना पहला, जिसे कहते हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस, एक अच्छे लेवल पे उसकी शुरुआत मेरे उस उम्र में मेरे से हुई। तो बस उसके बाद से सफ़र चल रहा है बड़ों के आशीर्वाद के साथ, आप सबके शुभकामनाओं के साथ। जी, 10 साल की उम्र में आपने पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया, तो आपने कौन सी धुन बजाई थी जिससे कि लोग आकर्षित हुए? मुझे याद है जब मैंने सबसे पहला परफॉर्म किया था जी। तो मुझे याद है मैंने शास्त्रीय संगीत के एक राग को बजाने की कोशिश की थी और मैंने एक रविंद्र संगीत बजाया था जो कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जितने क्रिएशन है उसमें से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि एकला चलो के नाम से हम सभी जानते हैं। तो उसको मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, वो मुझे थोड़ा थोड़ा अभी भी याद है, मैं काफ़ी छोटा था लेकिन वो जहन में अभी भी है। अगर आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को तो सुनाइए। जरूर, दो लाइन आप सबके लिए। Thank you.
आपके जहन में ये धुन है? हाँ, असल में हुआ क्या कि उस समय तो मैं बहुत छोटा था, शुरुआत हुई थी जी। तो शायद जैसा मैं आज बजा रहा हूँ उस समय तो ऐसा नहीं बज पाता होगा, लेकिन उसके बाद से वो सफ़र जारी रहा। और मुझे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं जहाँ भी गया लोगों का, श्रोताओं का, बड़ों का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिला। और अभी ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादातर कार्यक्रमों में मुझे इस रविंद्र संगीत के लिए या फिर मेरे और भी जो कंपोजिशंस है उसके लिए मुझे हमेशा याद किया जाता है या फिर आग्रह किया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ आप सबकी सेवा में उसे प्रस्तुत करने का। तो ये संगीत है, जहन में, आत्मा में बस जाती है, और जो चीज़ एक बार आत्मा में बस जाए वो मिटना शायद असंभव है, नामुमकिन है। हाँ। जी, तो हमने ये सुना है कि ये जो आपका वाद्य यंत्र है, हाँ, सिद्ध वीणा, ये आप ही के नाम से है? असल में मैं आपको बताऊं कि ऐसा मेरे गुरुओं का या फिर आप सब का, समाज का है, प्रेम है, प्यार है कि ये मेरे नाम से इसका आविष्कार कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं मानता हूँ। मैं यही मानता हूँ जब माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद हो और कोई एक शक्ति जो कि इस पूरे सृष्टि को, ब्रह्मांड को चला रही है, तो जब आप एक स्पिरिट, एक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो स्पिरिट आपसे कुछ करवा लेता है जी। और उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है। तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, लेकिन उस आशीर्वाद ने मुझसे जो करवाना चाहा या फिर करवाना वो चाह रहे हैं वही हो रहा है। और सिद्ध वीणा जो है, इसका नामकरण मेरे गुरुओं ने इस उद्देश्य से किया कि ये एक ऐसा साज है जिसमें कि एक संपूर्णता है, उसमें एक सिद्धि है जी। उसमें गायकी, तंत्रकारी या फिर अलग अलग विधाओं को, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत ही, अलग अलग तरह के संगीत जो है उनको हम इस साज में, इस वाद्य यंत्र में सबको बजा सकते हैं। तो इसमें एक, जिसे कहते हैं, संपूर्णता, कंप्लीटनेस है, इसलिए इसका नाम सिद्ध वीणा पड़ा। ऐसा नहीं कि मेरा नाम सिद्धार्थ है उससे, तो ये गुरुओं का ये कॉन्सेप्ट है। तो लोग शायद कभी समझ जाते हैं कि शायद मेरे नाम से, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ जो कि इस सास को और इस परंपरा को आगे ये अच्छे से बढ़ पाए और इसकी सेवा मैं ठीक से कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। मैंने अपने जीवन को इसी उद्देश्य में समर्पित कर दिया है। सिद्धार्थ जी, आप एक विश्वविख्यात कलाकार तो हैं ही, साथ ही साथ संगीत गुरु भी हैं और कंपोजर भी हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि इतनी सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप कैसे निभाते हैं? असल में जब आपका काम आपका जुनून हो जी, तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। सो संगीत जो है, सबसे पहले ये मेरा पैशन, मेरा शौक या फिर मेरी जिंदगी है। एट फर्स्ट इट इज माई पैशन, आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स माई प्रोफेशन जी, बाद में वो प्रोफेशन बन गया। तो मेरे काम के जैसे अलग अलग डायमेंशंस है, मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हूँ, मैं कंपोजर भी हूँ, अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, शॉर्ट फिल्म्स के लिए, टेलीफिल्म्स के लिए मैं कंपोजिंग भी करता हूँ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। और साथ ही साथ मेरे स्टूडेंट्स का प्यार है कि वो मुझे गुरु के रूप में भी बहुत उनका प्यार मुझे मिलता है। तो हमारी जो संस्था है शारदा म्यूजिक फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम लोग इस परंपरा को और इस भारतीय संगीत के जो की जो तालीम है, जो पारंपरिक तालीम है, उसको भी आगे बढ़ा के ले जाने की हम लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सफल प्रयास हो रहा है। और हमारे पूरे विश्व से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं देश विदेशों में और इंडिया में, तो उनको अच्छी तालीम मिल रही है और हमारे स्टूडेंट भी अच्छा कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को संभालने में मेहनत तो बहुत लगता है, लेकिन यही ज्ञान और यही ध्यान है, यही सब कुछ है। तो जब किसी उद्देश्य में आप अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो वो प्रकृति भी जो है या फिर जो वो शक्ति भी है, जो स्पिरिट है, वो भी आपसे कुछ ना कुछ करवा लेती है। सो मुझे नहीं पता, बस समहाउ बड़ों का आशीर्वाद है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100 नहीं, मैं 1000% अपने काम को डेडिकेटेडली कर पाऊँ। सिद्धार्थ जी, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आपका एक फाउंडेशन भी है, तो उसके बारे में विस्तार से बताइए कि वो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करती है। पूरे वर्ल्ड में ये फाउंडेशन चलता है या फिर सिर्फ इंडिया में? देखिए, हमारा जो फाउंडेशन है, इसके दो हिस्से हैं, दो ब्रांचे हैं जी, एक वाराणसी में, एक दिल्ली में।
और हमारे जो स्टूडेंट है वो देश में भी है विदेशों में भी है। तो जो हमारे स्टूडेंट दूसरे देशों में या फिर अलग अलग शहरों में भारत के ही रहते हैं जी, उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वो हमेशा हमारे फाउंडेशन में आके डायरेक्ट सीख पाए। जो लोग विदेश में रहते हैं वो साल में कभी एक बार आ रहे हैं, कुछ लोग दो साल में एक बार आ रहे हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन का फैसिलिटी सबको दिया हुआ है, तो ऑनलाइन सेशन के माध्यम से हमारे सारे स्टूडेंट जो हैं अलग अलग विधाओं में वो लोग अपनी तालीम दे रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग शारदा म्यूजिक फाउंडेशन के माध्यम से सिर्फ पारंपरिक संगीत, भारतीय संगीत की जो तालीम है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। साथ ही साथ हम लोग कार्यक्रम भी करवाते हैं जिससे कि जो अगली पीढ़ी है जो अच्छे टैलेंट से उनको भी हम अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके कि वो लोगों के सामने, समाज के सामने आ पाए जी। तो यही हमारा प्रयास है। सिद्धार्थ जी, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आपका जो म्यूजिकल करियर है वो 10 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, तो आपके बारे में, म्यूजिकल करियर के बारे में तो हम जान चुके। अब आप बहुत सारे एल्बम्स भी आपने जो है रिलीज किए हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, मैं आपको बताऊँ कि 10 साल की उम्र में मेरे परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया वो पैशन धीरे धीरे प्रोफेशन या करियर के रूप में आगे जी वो डेवलप हुआ। और जहाँ तक मेरे एल्बम्स या मेरे कोलैबोरेशन के बारे में, तो मेरी जो एल्बम्स है वो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से रिलीज हो चुके हैं और लोगों का बहुत प्यार, बहुत अप्रिसिएशन हमें मिल रहा है, कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा है। जैसे इनर वॉइस ऑफ सिद्धवीना, ये इंडिया से रिलीज हुआ। काशीनाथ, ये ब्रिस्बेन से। ड्रमिंग सेशन विद सिद्धवीना, ये क्वींसलैंड से जी। और ऐसे बहुत सारे एल्बम्स है। हाल में ही जो हमारा एल्बम रिलीज हुआ सिद्धि, मेडिटेशन विद सिद्धवीना, तो उसे भी पूरी दुनिया में लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है हमें। सर, ये जो आपने बताया मेडिटेशन विद सिद्धवीना, ये प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? जरूर, इसके बारे में तो मैं जरूर बताना चाहूंगा जी। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है हम सबके जीवन का। और ये जो प्रोजेक्ट है मेडिटेशन विद सिद्धवीना, ये कई वर्षों से हम लोग देश के अलग अलग कोनों कोने में कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग वर्कशॉप सेशन या फिर विस्तृत रूप में, और लोगों का बहुत प्यार हमें मिल रहा है और लोगों को इससे बहुत फायदा भी मिल रहा है। क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मेडिटेशन विद सिद्धवीना, सिद्धवीना के संगीत के माध्यम से ध्यान। क्योंकि आज के जमाने में बहुत बहुत भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, बहुत तरीके की जो नेगेटिव एलिमेंट्स है या फिर नेगेटिव एनर्जीज है या थॉट्स है वो क्रिएट हो जाती है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि संगीत के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से कैसे आप नेगेटिविटी से कैसे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं, इसका रास्ता हम दिखाने की कोशिश करते हैं और जिससे लोगों को बहुत फायदा भी मिल रहा है। क्योंकि अगर हमारे भारतीय संगीत को समझने की कोशिश की जाए तो एक शब्द से इसे समझा जा सकता है, वो है कि हमारे भारतीय संगीत को नाद ब्रह्म कहा गया है जी। इसमें साक्षात माँ सरस्वती का वास है, तो ये अध्यात्म है जी। भगवान को पाने का या फिर उनको पाने का सबसे आसान मार्ग, सबसे आसान रास्ता इसे बताया गया है भारतीय शास्त्रीय संगीत को। हाँ, क्योंकि संगीत दो तरह के होते हैं, मैं पूरे विश्व संगीत की बात बता रहा हूँ। एक होता है जो कि होता है मनोरंजन के लिए, जो आपके मन को अच्छा लगे जी। और एक होता है वो है आत्मरंजन के लिए, मतलब जो संगीत आपके मन, शरीर और आपके आत्मा तक को प्रभावित करे। तो हमारा जो भारतीय संगीत है ये है आत्मरंजन के लिए, आत्मा को प्रभावित, जो कि हाँ, जब आत्मा प्रभावित हो रहा है उसका मतलब ये है कि पहले मन प्रभावित हुआ, फिर शरीर भी प्रभावित हुआ और आत्मा तक पहुंच गई बात। तो जब हम पॉजिटिविटी से इस तरह से जुड़ जाएंगे तो बहुत स्वाभाविक है, जब हम रोशनी से जुड़ जाएंगे तो अंधेरा कहाँ रह पाएगा, बिल्कुल नेगेटिविटी से अपने आप हम हटेंगे।
और जब लोगों का बहुत अप्रिसिएशन, प्यार और डिमांड आया, तब जाके हाल में ही ये एल्बम जो सिद्धि मेडिटेशन विद सिद्धविना है, ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ और लोगों का बहुत ये सपोर्ट और अप्रिसिएशन हमें मिल रहा है। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय संगीत को और इसकी जो जड़ें हैं, इसका जो मूलभूत जो संदेश है, वो पूरे विश्व में और जो लोग संगीत से जुड़े नहीं भी है उनको भी इससे बहुत कुछ मिले जी। तो यही हमारा प्रयास है। सर, आपने इसके बारे में बताया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रिवायत बैंड है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। रिवायत एक यूनिक फ्यूजन बैंड है जी, मैं उसका फाउंडर हूँ। और रिवायत बैंड का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने बैंड के माध्यम से अलग अलग तरह के सभी विधाओं के संगीत को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो ये है कि हम लोग क्लासिकल फ्यूजन से लेके सेमी क्लासिकल टू भजन टू रविंद्र संगीत टू बॉलीवुड और वर्ल्ड म्यूजिक, फ्यूजन म्यूजिक पे हम लोग काम करते हैं। तो जैसे होता है ना कि अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह के व्यंजन पसंद हो, ठीक संगीत भी वैसा ही होता है, अलग अलग तरीके के संगीत अलग अलग व्यक्ति को पसंद होता है। तो हमारे बैंड के माध्यम से हर तरह के श्रोता वर्ग को, हर तरह के श्रोताओं को अपने लिए कुछ ना कुछ आत्मरंजन और मनोरंजन का वो खाद मिल पाता है। यही प्रयास है रिवायत का। सिद्धार्थ जी, आपका जो संगीत है, हमारी जो जनरेशन है, यानी कि यूं कहें कि हर वर्ग के लोगों को आकर्षित करता है, वो आप कैसे कर लेते हैं? देखिए, संगीत जो है वो कुछ ऐसा ही है कि हम सबकी अलग अलग रुचि होती है जी। हम लोग अलग अलग डिशेस खाना पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपको नमकीन चीजें अच्छी लगे, मुझे मीठी चीजें अच्छी लगे, संगीत भी वैसा ही होता है। तो मेरे संगीत में, या फिर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, मेरा जो फ्यूजन बैंड है रिवायत, जो कि एक यूनिक फ्यूजन बैंड है, उसमें हमारा यही प्रयास रहता है, हम लोग अलग अलग तरह के संगीत के विधाओं में काम करते हैं जी। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, भजन, गजल, रविंद्र संगीत टू बॉलीवुड म्यूजिक, आप यूँ कह सकते हैं कि वर्ल्ड म्यूजिक में फ्यूजन में हम लोग काम करते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारे सामने जो ऑडियंस बैठे हो, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे हमारे बड़े हो, बुजुर्ग हो, उन सबको अपने लिए कुछ ना कुछ उसमें मिलता है जी। तो हमारा यही प्रयास है कि जो संगीत है, जो शुद्ध संगीत है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी विधा में हो, वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को उससे खुशी मिले जी। क्योंकि संगीत का सबसे, जैसे कहते हैं कि अल्टीमेट एक उसका इम्पैक्ट यही होता है कि संगीत वही संगीत है जिससे कि लोगों के दिल में शांति और प्रेम ये पैदा हो सके। तो यही प्रयास रहता है। सर, आपने रिवायत बैंड में कुछ कंपोज भी किया है, तो वो धुन आप हमारे दर्शकों को एक बार सुना दीजिए। हाँ, वैसे तो कंपोजिशंस बहुत सारे हैं जी, उसी में से एक छोटा सा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। Thank you.
बॉलीवुड धुन पे बेस्ड था। हाँ, ये तो बॉलीवुड बॉलीवुड और कंटेम्पररी दोनों को मिक्स करके ये एक सोच है, क्रिएशन है। तभी जो आपका धुन है वो हर वर्ग के लोगों का प्रयास था जरूर, क्योंकि मैंने शास्त्रीय संगीत के साथ साथ मैंने लाइट म्यूजिक जिसे सुगम संगीत कहते हैं, सुगम संगीत, रविंद्र संगीत, अलग अलग विधाओं की मैंने तालीम ली है। तो कोशिश रहता है कि जो गुरु से सीखा है वो अपने समाज में सब तक बांटूं। जी सिद्धार्थ जी, हाल ही में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपकी धुन सुनी थी और वो भाव विभोर हो गए थे। उनके साथ ही सुषमा स्वराज जी भी थी, अफ्रीका के राष्ट्रपति भी थे, तो आपने ऐसी कौन सी धुन सुनाई थी कि वो इतने भाव विभोर हो गए और आपकी प्रशंसा भी की थी? असल में मैं बताऊं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जी कि 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुझे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और अफ्रीका के राष्ट्रपति जी के लिए उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित था, मुझे बजाने का अवसर मिला। तो कार्यक्रम तो 1.5 घंटे का, बहुत लंबे समय का था। उसमें अलग अलग बहुत सारे मेरे कंपोजिशन मैंने बजाए और मेरा ये प्रयास था कि मैं भारतीय संगीत के साथ साथ भारतीय संगीत के अलग अलग विधाओं को दिखाने के बाद मैंने साउथ अफ्रीकन म्यूजिक में भी मैंने 4 कंपोजिशन उनके देश के भी बजाए। तो हर एक कंपोजिशंस के लिए ही उन सबका मुझे अप्रिसिएशन, उनका प्यार मिला। और मेरे लिए भाव विभोर होने वाली बहुत जो खास जो क्षण मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जब मैंने कार्यक्रम ख़त्म किया और मुझे साज मैंने बस रखने ही जा रहा था, तब तक हमारे हम सब के प्रेरणा स्रोत और आइडियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो उठ के सामने आ गए मंच के सामने और वो मुझे बताया कि आपका संगीत मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे मेरे से हाथ मिलाया। तो वो क्षण कुछ ऐसा था कि इतने बड़े महान व्यक्तित्व वो मेरे सामने हैं, देवता स्वरूप, और मैं तो एक तुच्छ साधक संगीत का जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस संगीत की इस परंपरा की सेवा करने का, तो वो बहुत खास पल था मेरे लिए। तो मैंने तुरंत उठ के फिर उनके पैर छुए, मैंने चरण स्पर्श किया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो बहुत खास पल था वो मेरे जीवन का, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। तो जैसे कि चर्चा हो रही थी, वहाँ पे मैंने तो बहुत कुछ बजाया था, शायद इतना समय नहीं होगा कि वो सब चीज़ें आप सबके सामने सुना पाऊँ, उसमें से ही एक छोटा सा अंश आप सबके लिए। पूजा है, मेरी साधना है। और सिद्धिविनायक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे इस तरीके से बनाया गया है, टेक्निकली, म्यूजिकली, हर तरीके से, कि अगर हमने अच्छी तालीम ली है
तो हम हर तरह का संगीत इसमें कर पाते हैं जी। जैसे ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि किसी एक ही तरह का संगीत ही इसमें हो सकता है। जो हम यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं वो हम यहाँ उतार सकते हैं। इस वाद्य की सबसे बड़ी खूबी ये है क्योंकि इसमें गायकी मतलब गायन का जो प्रभाव वोकल इफेक्ट जिसे कहते हैं वो भी है और इसमें तंत्रकारी भी है इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट भी है जी। तो अगर आप गायकी की कुछ चीजें बजा रही हैं तो आपको जैसे कोई जो सुनने वाले हैं उनको लगेगा कोई गा रहा होगा जी। और इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट भी है तो हर तरह का संगीत इसमें पॉसिबल है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट जी। तो ये सबसे बड़ी खासियत है और बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी सेवा इनकी अच्छे से मैं कर पाऊँ, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। सिद्धार्थ जी, जैसे कि आपने बताया कि इसमें हर तरह की संगीत जो है वो धुन आ सकती है, तो आपने हमारे दर्शकों को भक्ति संगीत भी सुना दिया, बॉलीवुड भी सुना दिया, क्लासिकल भी सुना दिया, तो क्यों ना एक गजल सुना दे। जरूर जी, चलिए जो गजल सबसे पहले दिमाग में आ रही है वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज जाने की जिद न करो, बनारसी भैरवी पर आधारित है जी। तो आप सबके सामने एक छोटा सा अंश जी।
खूबसूरत, इतनी अच्छी धुन थी, शायद इसीलिए हर जगह ये धुन डिमांडेबल होती है। सर, आखिर में हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, एक भारतीय होने के नाते और एक संगीत का, इस परंपरा का सेवक होने के नाते, कि हमारा जो भारत है वो शांति, प्रेम, आध्यात्म के लिए जाना जाता है, और हमें यही प्रयास करना चाहिए, यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने संस्कृति, चाहे वो संगीत हो, साहित्य हो, या फिर कोई भी अलग अलग विधाएं हो, हम उसके लिए प्रयासरत रहें, और हमारे जो अगली आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी इसके लिए प्रेरित करें। तो हमारा खुद का भी ये प्रयास है, आइए हम सब मिलकर इस रास्ते पे, इस पथ पे अग्रसर हो। धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी धुनें हमें सुनाई और हमारे दर्शकों का भी मन मोह लिया आपने। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत खुशी हुई आप सबके बीच आके जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू। तो वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए मेहमान के साथ, तब तक देखते रहिए राइव न्यूज चैनल। धन्यवाद।